बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नवीद हेल्थ केयर में आप लोगों को खुश आमदेद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा प्रोग्राम लीमू के छिलकों के फवायद पर है। आज का प्रोग्राम गौर से एंड तक ध्यान से सुने, इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और आज का प्रोग्राम सुनने के बाद आप लीमू के छिलके कभी नहीं फेंकेंगे। लीमू एक ऐसी चीज है जो हमारे घरों में रोजमर्रा इस्तेमाल होता है, लेकिन हम सिर्फ इसका जूस ही इस्तेमाल करते हैं, जबकि इसके छिलकों में लीमू से भी ज्यादा विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। बल्कि छिलकों में 5 से 10 गुना ज्यादा विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम जाया कर देते हैं। लीमू के इन छिलकों में विटामिन सी समेत कैल्शियम और पोटाशियम की वाफर मिकदार पाई जाती है, जिससे हड्डियां और दांत मजबूत होते हैं। इससे कुव्वत मुदाफ़त में इजाफा होता है। लीमू के छिलकों में ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो कैंसर के खलियात की नशोनुमा को रोकते हैं। लीमू के छिलके इस्तेमाल करने से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम होगा। ये दिल की हिफाजत करता है। जाहिर है जब कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा तो इससे आपका ब्लड प्रेशर भी कम होगा, इससे आपका वजन भी कम होगा। वजन को कम करने के लिए ये एक बहुत ही कमाल की चीज है। इसके अलावा लीमू के ये छिलके जिल्दी मसाइल में भी बहुत अच्छा काम करते हैं। आपके चेहरे के दाने, दाग, धब्बे और छाइयों के लिए बेहद मुफीद है। लीमू के इन छिलकों में फाइबर भी वाफर मिकदार में पाया जाता है, जो मेदा को ताकत देता है, कब्ज का खात्मा करता है, इससे जिगर और गुर्दों की सफाई होती है, लबलबे की सोजश में मुफीद है। शुगर के मरीज भी इसे जरूर इस्तेमाल करें। लीमू के इन छिलकों को हामला खवातीन भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब मरहला आता है इसको इस्तेमाल करने का कि कैसे इस्तेमाल किया जाए। हमेशा की तरह आज भी मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। लीमू को आप जब भी इस्तेमाल करें, इसको छिलकों और गूदे समेत इस्तेमाल करें। खा आप इसको बतौर सलाद इस्तेमाल करें या फिर आप इसका लीमू पानी बनाएं। जब भी आप लीमू पानी बनाएं तो लीमू को छिलकों समेत ग्राइंड करें। इसके अलावा लीमू के छिलकों को खुशक करके इसका पाउडर बना लें और इस पाउडर में, इस सफूफ में थोड़ा सा पानी शामिल करके पेस्ट बनाएं और इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं। ऐसे ख्वातीन हज़रात जिनके चेहरे पर दाने, दाग, धब्बे हैं, छाइयां हैं, उनका खात्मा होगा, चेहरे की रंगत निखर जाएगी। लीमू के इन छिलकों की आप चाय बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 अदद लीमू के छिलके 1 गिलास पानी में डालकर बॉयल करें। पानी जब आधा रह जाए तो इसको छान लें और चाय की तरह पी लें। आप इसको सुबह निहार मुंह इस्तेमाल करें और शाम को असर के वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पानी में, इस चाय में आप 1 चम्मच शहद भी शामिल कर सकते हैं। लीमू के छिलकों के हवाले से ये था मेरा आज का मालूमती प्रोग्राम। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। प्रोग्राम से मुतल्लिक अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट्स में जरूर करें। इसके अलावा लीमू के ऊपर मेरा तफसीली प्रोग्राम भी मौजूद है, उसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है, आप वो भी देख सकते हैं। इसी के साथ आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। दोबारा किसी नई मालूमती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत। अपना, अपने अहले खाना और अपने दोस्तों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। वस्सलाम।